हेलो गाइस, स्वागत है एक्सपेरिमेंट आरजे 31 में। वीडियो पूरा देखें प्लीज। सो गाइस, आज अपने पास है ये आयरन एंड फोलिक एसिड सिरप। जो कि खून की कमी में इंसानों को दी जाती है डॉक्टर द्वारा। सो गाइस, काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में कीड़ा सा जगा हुआ था कि सच्ची में इसमें आयरन होता है या फिर ये शरीर में जाने के बाद ही कोई इसका आयरन का कोई सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो चलो आज इस पर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब इसका आयरन चेक करने के लिए अपने पास है ये मैग्नेट। अगर वाकई में इसके अंदर आयरन होगा तो मैग्नेट से चिपकेगा। ये काफ़ी पावरफुल मैग्नेट है, वैसे काफ़ी पावरफुल है। चलो फिर सिरप को चेक करते हैं कि इसके अंदर आयरन है या नहीं है। थोड़ा इसको हिला लेते हैं क्योंकि जो इसका बाहरी जो पार्टिकल होते हैं वो तले में जम जाते हैं। कलर इसका कोका कोला के जैसा है और इसमें स्मेल आ रही है जैसे कि दो लोहे के टुकड़ों को रगड़ें तो एक ऐसी स्मेल सी क्रिएट होती है, वैसी आ रही है। अब ये अपने पास मैग्नेट है। अब मैग्नेट को इसके पास में लेके जाने पर इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, जैसे लग रहा है कि कोई पानी के पास में लेके जा रहे हैं, इसमें कोई आयरन है ही नहीं। जैसे अब इससे तो कोई पता नहीं चल रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैग्नेट को इसके अंदर डाल देते हैं। गिलास को थोड़ा हिला लेते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा भी आयरन हुआ तो इधर उधर से निकल के वो मैग्नेट पर चिपक जाएगा। पर इसमें तो कोई आयरन नहीं लगा मेरे को। मैग्नेट जैसा डाला था वैसा ही निकल गया। तो ये बात क्लियर हो गई कि इसके अंदर कोई प्रकार का वो आयरन नहीं होता जो अपना ये लोहा होता है नॉर्मल। ये इनका कोई सिस्टम होता है जैसे शरीर में जाने के बाद ही कोई सिस्टम एक्टिव होता है, बट इस सिरप के अंदर कोई प्रकार का वो आयरन नहीं होता।